प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट्सफिल पर। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां कोई भी चीज अच्छी या ठीक ठाक नहीं होती बल्कि बेस्ट होती है। आज से 50 साल पहले जिस जगह पर सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, आज वहां हर जगह गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां का कानून दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त माना जाता है और इसलिए इस देश में क्राइम रेट 1% से भी कम है। क्या आप समझ गए हम किस जगह की बात कर रहे हैं? अगर नहीं समझे तो एक हिंट और देता हूं दोस्तों। इस देश में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मौजूद है जिसका नाम तो आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, एकदम ठीक सोचा आपने। आज हम बात कर रहे हैं दुबई की, जो अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, नाइट लाइफ और गोल्ड के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस देश में हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं क्योंकि यह देश है ही इतने कमाल का। दोस्तों, आज हम इस अनोखे दुबई शहर के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप भी दुबई जाने का सपना देखते हैं या फिर दुबई गए हैं तो इस वीडियो को बिना रुके अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि अन्य खाड़ी देशों की तरह ही दुबई में भी तेल के बहुत सारे भंडार मौजूद हैं और इन भंडारों के कारण ही दुबई के लोग इतने अमीर हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में दुबई की अर्थव्यवस्था में क्रूड ऑयल के कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर दुबई के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों, पेट्रोल की रेवेन्यू को पूरी तरह से शिफ्ट कर दी गई है अलग अलग फील्ड में। आज के समय में दुबई पूरी दुनिया में सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। इसके अलावा यहाँ रियल एस्टेट के कारोबार भी तेजी से फैल रहे हैं। पूरी दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा व्यापार दुबई में ही किया जाता है। दोस्तों, आज के समय में दुबई की कुल जनसंख्या 35 लाख के आसपास है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 15% लोग ही मूल रूप से दुबई के रहने वाले हैं। दुबई में सबसे ज्यादा भारत के लोग रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया सहित कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोग आज दुबई में काम कर रहे हैं। या तो हम सभी जानते हैं कि दुबई के लोगों के पास बेशुमार दौलत है। वहाँ के शेख ये भी नहीं जानते कि उन्हें अपना पैसा किस तरह से खर्च करना है, इसलिए तो अपनी गाड़ी से लेकर टॉयलेट सीट हर जगह गोल्ड लगा देते हैं। दोस्तों, ये मॉल भी बनाएंगे तो दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। अगर टावर खड़ा करेंगे तो बुर्ज खलीफा कर देंगे सबसे ऊंचा टावर। अगर मैन मेड आइलैंड बनाएंगे तो भी नंबर 1 पाम आइलैंड। अंडर वाटर ब्रिज बना देंगे, अंडर वाटर टेनिस खेलने का अरेंजमेंट, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब, द ओनली 7-स्टार होटल इन द वर्ल्ड। जो भी करना है इनको, या तो नंबर 1 या द ओनली 1। दोस्तों, दुबई की लग्जरी कार्स के बारे में आप सबने सुना ही होगा। दुबई में आपको हर जगह लग्जरी कार देखने को मिलेगी। छोटी मोटी गाड़ियां ढूंढने से भी आपको यहां नहीं मिलेगी। दोस्तों, हर घर में 2-4 गाड़ियों का होना एक मामूली सी बात मानी जाती है। आपको बता दें कि दुबई पुलिस के पास दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार होती हैं। यहां की पुलिस के पास आपको बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी महंगी गाड़ियां देखने को मिलेगी। दुबई ने सन 1990 से 2020 तक इतनी तेजी से विकास किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, याद ही दुबई की अच्छी अच्छी बातें। लेकिन अगर इन अच्छी बातों के पीछे का काला सच अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।